बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों भक्ति में लीन है। अजय कुछ दिनों पहले केरल के सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। ऐसे में उनकी कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खबर है कि अजय देवगन ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग के बीच मंदिर जाकर दर्शन किए हैं। मंदिर में दर्शन की कई फोटोज इंटरनेट पर वायरल हैं। इनमें अजय देवगन को ब्लैक आउटफिट में देखा जा सकता है। उन्होंने सिर पर कुछ उठाया हुआ है और चेहरे पर काला मास्क लगाया है। एक और फोटो में अजय देवगन को मंदिर के पुजारी संग देखा जा सकता है। पुजारी अजय के हाथ में धागा बांध रहे हैं। अजय देवगन ने माला और लाल रंग का शॉल भी पहना हुआ है। अजय देवगन ने खुद भी इस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अजय स्टाइलिश अंदाज में वॉक करते दिख रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, स्वामी सरनम अयप्पा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने आने से पहले महीने भर नियमों का पालन किया था। इन नियमों के अनुसार अजय देवगन ने महीने भर शाकाहारी खाना खाया और जमीन पर सोए थे। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अजय देवगन इन दिनों डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म कैथी के हिंदी रीमेक में काम कर रहे हैं। ये फेमस तमिल फिल्म 2019 में आई थी। अजय के हिंदी रीमेक का नाम भोला रखा गया है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजय देवगन मंदिर किसी खास मन्नत की वजह से पहुंचे थे या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।